हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप 20,000 UPSC की काउंसलिंग फ़ी कैसे पे कर सकते हैं किसी भी कार्ड से। कोई भी आपका बैंक हो, आप उसे ज़रूरी नहीं है कि आप HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो या SBI बैंक हो, आप कोई भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हमको जाना है UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.upsc.nic.in। जैसे हम इसे सर्च किए गूगल पे, आप देख लीजिए, सबसे पहला जो वेबसाइट आएगी यूपीएससी की होगी। ये साइट खोल लीजिए, ये यूपीएससी 2018 अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड टू पे हम लोग को क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर सिक्योरिटी रीज़न यू आर नॉट अलाउड टू ओपन अनदर टैब। तो हम लोग को इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है। इसके लिए CTRL शिफ्ट प्लस एन। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है www.upsc.nic.in। ये हमारी साइट खुल गई, यूपीएससी 2018 अलॉटमेंट रिजल्ट पे हमें जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया है यूपीएससी 2018 राउंड टू पे, रिज़ल्ट आ चुके हैं। मैंने पहले ही ये अपनी सीट रिज़र्व कर चुकी थी, तो मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया क्योंकि मैं अपग्रेडेशन नहीं चाहता हूँ कोई और कॉलेज में। मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ। यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, जो आपने पहले रोल नंबर आपको मिला था एडमिट कार्ड पे, और यहाँ पे पासवर्ड, जो आप न्यू यूज़र जब बने होंगे इस पर रजिस्टर किए होंगे वो पासवर्ड, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। अब हमने साइन इन कर दिया। मैं सारा ऑप्शन पहले ही चूज़ कर लिया था, इसलिए ये आपको विंडोज ऐसे दिखाई दे रही है। ये पेमेंट गेट पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, तीन बैंकों का ऑप्शन है, SBI, HDFC और ICICI, और यहाँ पे ये भी लिखा है एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। एनी मीन्स कोई भी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मिथ बनाई जाती है कि आप नहीं सिर्फ यही बैंक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद पेमेंट किया इस पर, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी पेमेंट करके। सेलेक्ट डेबिट कार्ड, आपका वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, SBI मास्टर हो या रुपे हो या कोई और अदर कार्ड हो, आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप अपना नंबर डालिए, कार्ड होल्डर का नेम जो कार्ड पे मेंशन हो या तो आपके बैंक अकाउंट जिस नाम से हो उस पर आपका ये यहाँ पे वो लिखना है। नीचे एक्सपायरी डेट आपको लिखनी है, एक्सपायरी डेट पीछे दी रहती है कार्ड पे, कभी कभी आगे भी दी रहती है। ये जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा ब्लर कर दिया जाता है क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए रहता है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे CVV नंबर जो पीछे दिया रहता है वो आपको एंटर करना है, फिर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके डेबिट कार्ड पे पासवर्ड है तो आपको एक विंडो ओपन होगी जिस पर आपका पूछेगा पासवर्ड और OTP, नहीं है अगर तो सिर्फ आपको OTP आएगी। यहाँ पे जैसे यूनियन बैंक से मैं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास OTP जो आया है मैं उसे एंटर करने जा रहा हूँ। OTP थोड़ा टाइम लगता है आने में, कम से कम 1 मिनट तो वेट ही कर लीजिए आप। ये मेरा OTP आ गया है, आपको आवाज़ भी आई होगी मैसेज की। यहाँ पे OTP टाइप कीजिए अपना, और यहाँ पे पासवर्ड, अगर आपके पास पासवर्ड है तो। इन केस अगर आप पासवर्ड नहीं जनरेट किए पहले से इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ OTP एंटर कीजिए। यहाँ पे आपका पासवर्ड का ऑप्शन आएगा ही नहीं, उसमें जो नेट बैंकिंग करते वो जनरली पासवर्ड उस पर रहता ही है उनके कार्ड पे, कोई भी पेमेंट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं मैसेज आया है, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग को गो बैक करना है और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए व्यू रिजल्ट पे जाइए और क्लिक कीजिए डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे। एक बार आप अपना अलॉटमेंट लेटर देख लीजिए कि सब कुछ सही है ना, चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको फी अमाउंट दिखेगा और जिस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया, जो टाइम है वो सब दिखेगी, ट्रांजेक्शन नंबर भी रहता है उस पर। आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरा भी ऐसी इस अलॉटमेंट लेटर को आपको प्रिंट करा के
जब भी जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा फिज़िकल विज़िट के लिए आपके कॉलेज में, आपको इस अलॉटमेंट लेटर को लेके जाना है उस टाइम। मैं आपको एक और तरीके से दिखा देता हूँ कि आपकी फ़ी पेमेंट हुई है, उसको देखने के लिए हम लोग को ये बंद करना पड़ेगा। मैं ये टैब क्लोज़ करने वाला हूँ। आप पे एक्सेप्टेंस फीस पे जाइए, वहाँ पे भी आपको ये दिखा देगा कि फ़ी पेमेंट हुई है। जैसे कि फ़ी पेमेंट डिटेल पे आप जा सकते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर, फ़ी अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट और सी एक्सेप्टेंस फीस टाइप है, फ़ी टाइप है ये। तो फ़ी आपकी पे हो चुकी है, अब आपको कहीं साइबर कैफ़े में